हे वेलकम बैक टू द वीडियो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिसमें आपको 5G का सपोर्ट तो मिलेगा है, उसके साथ ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी अंडर 15,000। मैं आपको बता दूं, अंडर 15,000 5G सपोर्ट के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलना काफी मुश्किल है। बट फिलहाल फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल चल रही है, तो सेल के कारण 17 से 18,000 वाले फोन 15,000 के नीचे ही मिल जाएगा, वो भी बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले 5G स्मार्टफोन, जो कि आपको मिल जाएगा 15,000 के नीचे। और क्योंकि सभी स्मार्टफोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही आने वाला है, तो ये पांचों स्मार्टफोन मूवीज वगैरह देखने के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अच्छा खासा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड पावरफुल 5G चिपसेट भी लगा होगा। तो ऐसे में अगर आपका बजट फिलहाल 15,000 के आसपास है और आपको चाहिए कोई सा एक अल्टीमेट बेस्ट स्मार्टफोन, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए हमने इन पांचों स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। एंड नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये अपने प्राइस पॉइंट पर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है पोको X5 5G। जनरली इस फोन का प्राइस 15,000 के ऊपर ही होता है, लेकिन अभी आपको 14,000 के नीचे ही मिल जाएगा बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के। क्या कुछ फीचर्स मिलता है, चलिए जल्दी से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज ये फोन अच्छा है, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। सिर्फ 8mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है एंड 189 ग्राम वेट है। IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो सिंगल स्पीकर दिया गया है एंड स्पीकर की आउटपुट डिसेंट है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब दो 5G सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। इन एडिशन पोको का फोन है, तो आयर ब्लास्टर भी मिल ही जाएगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन MIUI 13। इस फोन को 2 years तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड MIUI डायलर मिलता है आपको, मतलब चुपके से किसी का भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स भी जान लेते हैं जल्दी से। तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में ही 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। समटाइम बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जाता है, तो इसे अपडेट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। एनीवे, डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240Hz की डस्ट सैंपलिंग रेट मिल जाती है एंड अप टू 1200 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जिससे आपको ब्राइटनेस से बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है। 15,000 के नीचे बहुत ही कम ऐसे 5G फोन है जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि इस फोन में आपको मिल रहा है। तो डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा ये फोन। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो बैक साइड में 3 कैमरा लगा हुआ है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 48MP का है, वही सेकंड कैमरा 8MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2MP का है। रियर कैमरे से फुल एचडी में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी फ्रंट में 13MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी फुल एचडी में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल गाइस, इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अबव एवरेज रहेगा। समटाइम अच्छे लाइटिंग कंडीशन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। बाकी अगर आपको कैमरा के लिए ही फोन चाहिए, तो शायद ये फोन आपके लिए बेस्ट ना रहे। वैसे परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक स्टेबल चिपसेट है, 6nm पर बना हुआ है और 4 लाख से ऊपर अंतुदु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है, तो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा, मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें, तो ये फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, 12N वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात करें, तो राइट नाउ 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 14,000 रुपीज है और 1,000 रुपए का अलग से बैंक डिस्काउंट भी है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें 4th नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, तो नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, अगेन ये फोन भी 120Hz एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 12 5G के बारे में। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 17,000 के आसपास होता है, लेकिन करंटली 13 से 14,000 के बीच में ही मिल जाएगा, वो भी बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के। चलिए जल्दी से जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, बाकी दिखने में काफी क्लीन डिजाइन है, आप देख ही सकते हैं। सिर्फ 8mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है एंड 188 ग्राम वेट है। IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसकी आउटपुट अच्छी है और ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब दो 5G सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे।
बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन MIUI 13। इस फोन को 2 इयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। और रेडमी का फोन है तो आयर ब्लास्टर तो मिल ही जाएगा आपको। चलिए इसके साथ ही अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, साथ में ही 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप ये फोन आपको दे देगा। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है और हाँ 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जिससे आपको ब्राइटनेस से बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छा मिलता है, एमोलेड पैनल है और काफी ब्राइट भी है डिस्प्ले, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छा रहेगा। वैसे कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। इसके अल्ट्रा सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। रियर कैमरा से फुल HD में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी 1080p में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस फोन का ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज रहेगा। डे लाइट में समटाइम ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है बट लो लाइट फोटोग्राफी ज्यादा सही नहीं है, कैमरे के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन आता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 5G चिपसेट के साथ। इस चिपसेट को आप स्नैपड्रैगन 695 इतना मान सकते हैं। 6 nm पर बना हुआ है और 4 लाख के आसपास अंतत स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLPDDR4X वाला RAM है तो नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा, कैजुअल और मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में आपको मिलता है 7 5G बैंड्स का सपोर्ट, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 15,500 रुपए हैं और अभी आपको 2,000 रुपए का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, वो भी सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। तो कुल मिलाकर इस फोन को आप 13,500 के नीचे ही बाय कर सकते हैं और इस प्राइस पॉइंट पर मिलता है तो देख सकते हैं इस फोन को काफी सही पैकेज रहेगा। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है इस फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम है और देखा जाए तो ये भी एक कंप्लीट पैकेज है। इस फोन का नाम है Realme Narzo 65G। जनरली इस फोन का प्राइस 18,000 से ऊपर ही होता है लेकिन अभी आपको 15,000 के नीचे मिल जाएगा, वो भी बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के। चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर के साथ आता है ये वाला वीगन लेदर से बना हुआ है और ये ब्लैक वाला कम्प्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। सिर्फ 7.9 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है एंड 182 ग्राम वेट है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी सही रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसकी आउटपुट काफी सही है और अच्छी बात यह है कि बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन Realme UI 4.0। इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बैटरी और साथ में ही 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। नॉर्मल यूजर्स में एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में आपको मिलता है 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है और 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको डिसेंट टाइप का देखने को मिलता है, एमोलेड पैनल है तो कलर्स वगैरह काफी सही दिखते हैं, गेमिंग और कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छा रहेगा। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो बैक साइड में 2 कैमरा मिलेगा आपको जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ कैमरा है। अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया गया है। रियर कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का जो मेन कैमरा है लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, कैमरा परफॉर्मेंस अबव एवरेज या फिर डिसेंट टाइप का रहेगा। वैसे परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 6020 वाला 5G चिपसेट। ये एक न्यू चिपसेट है, 4 लाख के आसपास अंतत स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLPDDR4X वाला RAM है तो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होने वाला है, मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फोन 8 5G बैंड्स का सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। प्राइस की बात करें तो राइट नाउ 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 15,000 रुपीज है, एडिशनली बैंक डिस्काउंट तो अलग से है ही, चेकआउट कर सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स।
बात करें अपने सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो नंबर टू पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो लोग 15,000 के आसपास सैमसंग की तरफ से कोई सा बेस्ट 5G फोन बाय करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M34 5G के बारे में। वैसे ये फोन भी 18,000 से ऊपर ही आता है, लेकिन अभी आपको बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के 15,000 के नीचे मिल जाएगा। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉली कार्बोनेट से बना हुआ है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.8 mm की थिकनेस एंड 208 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा ये फोन बल्की रहेगा। बाकी ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर और स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है यह फोन, बेस्ड ऑन One UI 5.1। और दोस्तों इस फोन को 4 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 5 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। बहुत ही लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा और सैमसंग का फोन है तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा 6000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में ही 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन बॉक्स के अंदर अडैप्टर नहीं दिया गया है। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो ये फोन 6.5 inches की फ्लैश डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 1000 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। सो ब्राइटनेस से भी इशू नहीं होगा आपको आउटडोर यूजर्स में भी। तो प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। सैमसंग का डिस्प्ले है तो कलर्स वगैरह बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन इस नॉच की वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड फील हो सकता है आपको। एनीवे कैमरा के बारे में बात करते हैं तो रियर साइड में 3 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है जो कि OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 8 MP का है और ये अल्ट्रा वाइड लेंस है। इसके अलावा थर्ड कैमरा 2 MP का है जो कि डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट में 13 MP का कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरे से फुल HD में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। OIS होने की वजह से स्टेबल वीडियोस और फोटोज निकाल सकते हैं। अगर आपको कैमरा के लिए फोन चाहिए तब भी ये फोन आपके लिए अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन में लगा हुआ है सैमसंग एक्जिनोस 1280 वाला 5G चिपसेट। ये चिपसेट 5nm पर बना हुआ है और 400,000 से ऊपर अंतत स्कोर आता है। साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। तो परफॉर्मेंस से भी आपको इशू नहीं होने वाला है नॉर्मल यूजर्स में। डे टू डे टास्क इजिली हैंडल कर लेगा ये चिपसेट। लो टू मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। साथ में 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। NFC भी है। प्राइस की बात करें तो 6128 के लिए 16,500 रुपए हैं और अभी आपको 1500 रुपए का इंस्टेंटली कूपन मिल जाएगा Amazon के ऊपर। तो कुल मिलाकर 15,000 के नीचे ये फोन भी आपको मिल ही जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर इस फोन को भी आप ग्रैब कर सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। वक्त आ गया है अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करने का। तो नंबर वन पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और साथ में ही कैमरा भी। खैर इस फोन का नाम है IQ Z7S 5G। वैसे तो इस फोन का भी प्राइस 18,000 से ऊपर ही होता है, लेकिन अभी आपको 15,000 के आसपास मिल जाएगा। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दिखने में ये फोन काफी प्रीमियम है, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। सिर्फ 7.8 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन रहेगा एंड 172 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। और IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। सो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा रहेगा ये फोन। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन फन टच OS 13। इस फोन को 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। चलिए अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में लगा हुआ है 4500 mAh की बैटरी और साथ में ही 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.38 इंचेस की फ्लैश डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आपको आउटडोर यूजर्स में भी ब्राइटनेस इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है, काफी ब्राइट डिस्प्ले है और एमोलेड पैनल है जिसकी वजह से कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन इस नॉच की वजह से थोड़ा सा पुराना फील करा सकता है ये फोन आपको। कैमरा के बारे में बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा दिया गया है,
जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से फुल HD में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा। मेन कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है लगभग हर सिचुएशन में। कैमरा से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा। वैसे अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो और अच्छा रहता। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक काफी स्टेबल चिपसेट है। 6 nm पर बना हुआ है और 4 लाख से ऊपर अंतुदु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLP DDR4X वाला RAM है, तो परफॉर्मेंस भी आपको इशू नहीं होगा। नॉर्मल यूज में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 6 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो राइट नाउ 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 16,000 रुपीज है और 1500 तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। खैर ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, वो भी 15,000 के नीचे। इनमें से आप किसी भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।